प्रिंट्स मिले मैंने मतलब डिजाइन मैग्नेटिक ऑप्शन चेयर एनालिसिस करेंगे कल के लिए हम, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं बन सकती हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडी बाय विनोद मंडावी, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी, इसमें जरूर जुड़िए। ब्लॉग है winnowmandari1.blogspot.com, फेसबुक पेज है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनोद मंडावी, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर 9699646408। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जरूर जुड़िए, जिसका बेनिफिट आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चार्ट की तरफ चलते हैं। पहले 15 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। डेली चार्ट पे तो आपको दिख रहा है शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ से 30,900 से बैंक निफ्टी शॉर्ट दिखा रहा है डेली चार्ट पे। और ये आया 15 मिनट का चार्ट, देखिए यहाँ शॉर्ट दिया है हमें, शॉर्ट देने के बाद कितना अच्छा नीचे की तरफ आया है, लेकिन लास्ट में बाय सिग्नल नहीं दिया है। शॉर्ट देने के बाद नीचे कितना अच्छा है ये चीज़ देखिए, 29,000 के पास शॉर्ट मिला और एटलीस्ट आपको आज 700-800 पॉइंट की नीचे की तरफ मिला। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में सुबह ही बोला था, अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट निफ्टी का मैंने सुबह मैसेज डाल दिया था इसमें, ओके। तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जरूर जुड़िए, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और ये हमारा ब्लॉग है, इसमें भी जरूर जुड़िए winnowmandari1.blogspot.com, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे हमारी तरफ से सब, ओके। तो चार्ट में दिखा रहा है खराब बैंक निफ्टी, चार्ट में दिखा रहा है बैंक निफ्टी खराब। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, तो ये बाजार जो है ना अब काफी खराब रेंज में चले गया है, अब सुधरने के चांसेस बहुत कम है। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब हो गया, यहाँ से बाय बनता है, यहाँ से बाय बनता है, यहाँ से बाय। देखिए यहाँ से जब गिरा था बजट वाले दिन, उसके बाद जब ऊपर लिया था तब भी मैंने बोला था कि यहाँ पे हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, जितना शॉर्ट करेंगे उतना पैसा बनने के चांसेस है। 11,32,31,100 के आसपास से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। अब जो बाजार मेरे को दिख रहा है 28,000 के आसपास बैंक निफ्टी दिखता है मेरे को, कि 28,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाएगा, कितना 28,000 के आसपास। तो ये चांसेस भी बहुत जल्दी हैं कि 28,000 बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा है कि 28,000 बहुत जल्दी आ जाए। चलिए एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, ये ऑप्शंस के डेटा को पेंट में ले लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा हमारे को। क्लोजिंग दिया है 28,650, मतलब हम आ जाते हैं 600 के पास में। यहाँ पर देखिए कॉल राइटिंग है अच्छी खासी, ये सब 451,000 में है। अब ये लेवल को भूल जाओ, अभी 29,000 दोबारा आएगा, अब हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। 28,000 28,000 में है, ये फ्रेश राइटिंग है, ये पूरी फ्रेश राइटिंग ही बनी है आज, ओके। ये भी फ्रेश राइटिंग है, क्या है 28,500, ओके। देखिए बैंक निफ्टी तो खराब दिखा रहा है, बैंक निफ्टी दिखा रहा है खराब। एक बार पुट का डेटा भी देख लेते हैं, पुट साइड में क्या है सिचुएशन। देखिए पुट साइड में आपका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, ये शॉर्ट कवरिंग है, ये शॉर्ट कवरिंग है, इधर शॉर्ट कवरिंग है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग है 28,000 के पुट में, 28,000 के पुट में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग है। तो जिन्होंने पुट शॉर्ट करे थे उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है कट, ओके। शॉर्ट जिन्होंने करे थे पोजीशन कर लिया कट 28,500 में 369,000। फिर यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग आ गई और कल है एक्सपायरी का दिन, ओके। कल एक्सपायरी आएगा, थोड़ा सा देखिए थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, थोड़ा सा समझने में टाइम जा रहा है, थोड़ा सा आपको भी टाइम देना पड़ेगा
समझने में थोड़ा टाइम जा रहा है, 28,653 पे क्लोज दिया है, 28,653 पे स्पॉट ने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से देखिए अब जो मेरा लेवल है, मेरे को क्या लगता है जो कल की जो क्लोजिंग रहेगी, कल की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, चलो मैं एक्सपायरी की बात करता हूँ, कल थोड़ा सा गैप अप ओपन करेगा बाजार, जो भी अब जितना भी करे, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, जितना भी करता है, 50 पॉइंट, जो भी ओपन करेगा बैंक निफ्टी। लेकिन क्लोजिंग जो मेरे को लगती है वो लगती है यहाँ पर 28,407, 28,407 के आसपास क्लोजिंग मेरे को यहाँ पे लगती है, 28,407 के आसपास कल की एक्सपायरी रहनी चाहिए, 28,407 के आसपास। तो गैप अप अगर मिलता है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा, लेकिन शॉर्ट के साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हेज जरूर करता हूँ पोजीशन को, मैं नेकेड बिल्कुल ही नहीं करता, नेकेड का 10% पोजीशन रखता हूँ, उसके अलावा मैं हेज ही करता हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि मैं केवल अपनी बात करता हूँ और एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ कि आपको कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा हमेशा। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप अगर देखिए यहाँ पर, अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं, इन स्ट्रेटेजीज का आप यूज़ ले सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे किस तरह से यूज़ लिया जाता है, किस तरह से कर सकते हैं। ओके, आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9699-64-6408 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। काफ़ी लोग लाइक करते हैं वीडियो को, लेकिन काफ़ी लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग लाइक शेयर कमेंट भी करते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।